नमस्ते टू ऑल। पंक्चुएशन का जो हमारा टॉपिक है उसमें बात करेंगे हम क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क क्या ये कई बार पूछा जाने वाला है कि क्वेश्चन मार्क कई बार वर्ड्स में दे रहे, तो ये दो तीन तरीके से इसका यूज होता है। जो क्वेश्चन मार्क हमें कहाँ लगाना होता है, सीधा सा हमें ये पता होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ दिया हो तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। नहीं सेंटेंस में इतना सिंपल वो नहीं पूछते एग्जामिनर कि सीधा सीधा के व्हाट इज योर नेम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको लगा के दे दिया, इस तरह से सीधा से नहीं पूछते। तो किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने तरीके से पूछे जाते हैं ये समझते हैं। पंक्चुएशन क्या है कि किसी सेंटेंस किसी लाइन में, चाहे वो हिंदी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो सकती है, कहाँ हमें प्रश्न चिन्ह का यूज करना है, कहाँ हमें जैसे इंग्लिश इंट्रोगेटिव मार्क है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, ये पंक्चुएशन होता है। एक तरह से पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। और पंक्चुएशन ऐसा टॉपिक है जो हर बेसिकली इंग्लिश का अगर एग्जाम है तो ये टॉपिक जरूर उसमें दिया होता है और इसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसे किस तरह क्वेश्चन मार्क क्या होता है, प्रश्न चिन्ह जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, तो ये क्या बनता है, दो तीन तरीके से बनता है। पहला होता है हमारा वे टाइप वाला, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे दो तरीके से बनते हैं, एक तो वे टाइप होते हैं। वे टाइप में कौन से आते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, हूज, व्हाई, इस तरह के जो वर्ड आते हैं ये वे टाइप में आते हैं। अब क्वेश्चन मार्क एक तरीका होता है हमारा क्वेश्चन मार्क वाला, कि जो क्या से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं, जैसे क्या, क्या वे गाती है, क्या वे जाता है, क्या वे खेलते हैं, इस तरह से वर्ड होते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश में हमें हिंदी तो वहाँ इस तरह से पूछी नहीं जाएगी, इंग्लिश में दिया जाएगा। तो इसकी पहचान क्या होगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये पहले लिखी जाएंगी, चाहे वो कौन सी, चाहे फ्यूचर की हो चाहे पास्ट की हो, किसी की भी दे सकते हैं। आई, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी। इस तरह से डिड, डू होता है, ये अगर पहले दी होती हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर ये है, ये शब्द है स्टार्टिंग में तो हमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना, और ये वर्ड अगर सेंटेंस में है तो हमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का ये लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल में Who invited you to dinner? तुम्हें किसने इनवाइट किया है डिनर पे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। Where does, वह कहाँ रहती है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। Where was he going, वह कहाँ जा रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क वाले बनते हैं, have इसमें पहले है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना हमें। दो तीन चीज़ें इसमें बताऊंगी मैं। Have you के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा। अब करेक्शन के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वो करेक्शन करने के लिए भी सेंटेंस दो चार दे दे, तो मान लो यही सेंटेंस है, हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो चुके हो गए हो, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी को दो तीन, ये तो हमारा सही वाला हो गया, वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको लगा के नहीं देंगे। तो हमें क्या है, यहाँ पर पहले लगाना है, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस। अब इसे घुमा के कैसे देगा, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर वो गॉन यहाँ कर देगा और सब्जेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। तो इन बारीकी सी छोटी सी चीज़ों को, एग्जाम इतना भारी नहीं आता, इतना टफ नहीं आता, पर यह छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। इसको हम अपने माइंड को इतना सेट रखना है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ को पकड़ पाए। बाकी इस तरह के क्वेश्चन बनते रह जाता। फिर विल यू के बाद सीधा हमारा सब्जेक्ट आता है, हमारी नॉट नहीं आ गई, यहाँ पर नॉट दे दिया मान लो, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट में आ रहा। तो विल यू नॉट बी हेल्पिंग ही, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हैड सीधा स्लैप बिफोर यू बैंड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो होगा हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाएगी तो हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। फिर सब्जेक्ट होना चाहिए तुरंत बाद, और इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है तुरंत बाद, मोस्टली ऐसी होती है। अब एक वो कन्फ्यूज करने के लिए जो मैंने फुल स्टॉप में आपको बताया गया कि जहाँ पर वे टाइप वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम भी होते हैं, एग्जाम्पल भी होते हैं, तो वहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। वो कैसे, अगर मैं इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को, कि वेयर वाज ही गोइंग, आई आस्क्ड वेयर, वेयर ही वाज गोइंग। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस करेक्ट, हम क्या इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दें, क्योंकि वेयर हमारा आ रहा है तो वो हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग में हमारा चला जाएगा, क्योंकि ये क्या आयास के, ये जो आते हैं ये इन्वर्टेड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होते हैं, जैसे पलट कर लिखा जाता है, घुमा कर लिखा जाता है, इनडायरेक्ट में लिखा जाता है।
तो जब वेयर हो गया और यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आती इसमें, तो अगर यहाँ आ जाएगी तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आती। अब इस तरह के वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो सीधा सीधा था वेयर वाज ही, कोई वेयर आ गया फिर वाज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन इस तरह के में फुल स्टॉप नहीं लगता। इन बार में लगता है, फुल स्टॉप लगता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सॉरी नहीं लगता है, क्योंकि वेयर ये इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। आई आस्क वेयर ही वाज गोइंग, मतलब वही है कि वे कहाँ जा रहा था, ये कहाँ जा रहा है, पर सेंटेंस का जो है फॉर्म बदल जाती है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये फुल स्टॉप वाले मैंने आपको समझाया भी है कि तो ये इस तरह में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, पूछे ज्यादातर इस तरह के जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या कहते हैं, इसको हमारी जो शुद्ध लैंग्वेज में पुछल्ला से कहते हैं। एक वर्ड होता है कि वह खाएगा या नहीं, इस तरह से हम बोलते हैं, बाद में नहीं बोलते हैं, वह वहाँ वह गाना गाएगी या नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग की अगर सिंपल तरीके से इजी पहचान होता हो तो ये जो कैन नॉट होता है, विल नॉट होता है, शुड नॉट होता है, ये जो इस तरह से बदलते कांट डोंट डेंट वॉन्ट, इस तरह से शुडंट मसंट, इस तरह से बन जाते हैं, मतलब ये कोमा वाला एपोस्ट्रोफी वाला जो देखते हैं इस तरह के वर्ड इसमें होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो इस तरह के वर्ड आपको दिखे और सेंटेंस करेक्ट है तो इसके बाद आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सबके बाद लगाना होगा, अगर आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आता। बाकी दे कैन नॉट डू इट, वैसे नहीं कर सकते, तो अभी से हिंदी में बोले तो वैसे नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस तरह, या नहीं हम देसी लैंग्वेज में काम पे काम कर सकते हैं, हम पूछते हैं कि वो ये काम कर सकता है या नहीं, तो बाद में जो है निगेटिव इसमें सेंटेंस सेंस होता है। यहाँ अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग की जो पहचान होगी, और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव फॉर्म यूज होगी। लेकिन बात हमारी इंट्रोगेशन मार्क की है तो दे गॉट इस तरह का सेंटेंस, कांट दे वॉन्ट से शुडंट दे इस तरह के वर्ड है तो वहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। और सबसे ज़्यादा इनमें से पूछे जाते हैं फिर डाउट इन स्टेटमेंट आता है, तीसरा तरीका जो होता है स्टेटमेंट में डाउट आता है। अब ये सेंटेंस क्या, शी वाज मैरी इन 22, यहाँ पर कोई जो है कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ना वेयर है ना हैपी वर्ड पहले आ रही, ना क्वेश्चन टैग है। तरीका इंट्रोगेशन मार्क का इसका ये तीन यही तरीके हैं, इससे अलग नहीं होता। अब इसमें देखिए शी वाज मैरी इन 2020, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। राजस्थान इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ भी कोई वर्ड नहीं है क्वेश्चन वाला। और गांधी डाइड इन 1948, यहाँ भी कोई वर्ड ऐसा इंट्रोगेटिव नहीं है। लेकिन ये वाले क्या होते हैं, ये डाउट वाले होते हैं, जैसे कि मतलब शी मैरिड इन 22, अब वो 1920 में उसकी शादी हुई, पर इसमें डाउट है कि हुई या नहीं, तो वहाँ पर हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। राजस्थान कैपिटल है इंडिया की, थोड़ा डाउट से लग रहा है, दिल्ली भी नाम हो सकता था या दिल्ली भी हो सकता था, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मतलब बताने वाले को जो बात कर रहा है कि डाउट है। जैसे कोई कहने कि मैंने कोई सामान, मैंने पेन वहाँ रख दिया और मुझे याद नहीं है, मैंने बता तो दिया कि अलमारी में या अलमीरा में पेन रखा हुआ है, कि अलमीरा में पेन रखा हुआ है, लेकिन मुझे डाउट है, मेरा क्वेश्चन मार्क है, मैंने वहाँ रखा भी है नहीं है, तो इस तरह के वर्ड भी क्वेश्चन मार्क होते हैं। गांधी जी डाइड इन 1948, गांधी जी 1948 मरे या नहीं, बता तो दिया सेंटेंस में, पर डाउट है कि ये सही है नहीं। वैसे इस तरह के जो हमारे स्पीकिंग कोर्स में यूज होते हैं, यहाँ बताना जरूरी था कि आपकी मतलब अगर हम बात इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क की कर रहे हैं तो ये पता होना जरूरी है कि इस तरह के सेंटेंस हम जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं और उसको मतलब आंसर में आता है, हमारा निकलता है, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इस तरह के वर्ड में होता है जहाँ हमें डाउट है कि क्या हम बोलेंगे कि भाई हमारे जाएगा। मुझसे कोई पूछने लगे कि राम कहाँ है, तो राम घर में है, मेरा एक्सप्रेशन जो है कि राम घर में है, थोड़ा डाउट वाले हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क होगा कि वो घर में है या नहीं, मुझे पता नहीं है क्लियरली, पर मैं कह पॉजिटिव ही रही हूँ, तो इस तरह से पॉजिटिव वाले होते हैं, पर हमारे एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इस पर क्वेश्चन मार्क है, कि थोड़ा डाउट है, डाउट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो ये अपने एक्सप्रेशन से पता चलता है, जब हम स्पीकिंग कोर्स इसका करते हैं वहाँ पर पता चलता है। बेसिकली इस तरह के हमारे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जाते हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।